वेलकम दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आज की इस नए वीडियो पर। दोस्तों, ये मेरे पास में होंडा साइन BS6 बाइक आई हुई है और इस बाइक के अंदर स्टार्टिंग का प्रॉब्लम। मैंने इसे जब चेक किया तो इसके अंदर जो फ्यूल पंप है वो नहीं चल रहा है, इसके चलते बाइक स्टार्ट नहीं हो रही है। तो फ्यूल पंप ना चलने के बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, जैसे कि हमारा फ्यूज बक्स है, इग्निशन स्विच है, रिले है, उसका मेन रिले है, या फ्यूल पंप खुद ही ख़राब हो गया तो उस टाइम में फ्यूल पंप चलेगा नहीं, या फिर जो मेन चीज़ होता है हमारा ECM ख़राब होने पर भी हमारा फ्यूल पंप नहीं चलता। मैं यहाँ पे इस बाइक के अंदर जो ACG स्टार्टर बाइक है इसके अंदर मैं आपको ECM का जो 5 पॉइंट पे ECM काम करता है। पहला हमारा स्पार्क प्लग पे करंट देता है ECM, दूसरा हमारा फ्यूल पंप को चलाता है, तीसरा हमारा बैटरी को चार्ज करता है, और जो हमारी चौथा जो हमारा सेल्फ काम करता है जिससे हमारी बाइक साइलेंट से स्टार्ट होती है, और पांचवा हमारा हेडलाइट जो सामने का हेडलाइट है उसे ऑन कराता है ECM। तो इस बाइक पे और काफ़ी लोगों का ये कमेंट होता है या सवाल होता है कि मैंने ECM नया डाला हुआ था और उसका ECM लगभग 500-1000 किलोमीटर चली और वापस से उसका ECM ख़राब हो गया, तो सारे जानकारी हम इस वीडियो में देंगे आपको। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो मैं पहले इस बाइक के अंदर जो प्रॉब्लम है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहीं पर हमारी बाइक, इसका मैं इग्निशन ऑन करूँगा तो न्यूट्रल लाइट शो कर रहा है, इसका माल फंक्शन लाइट भी शो कर रहा है, और यहाँ चेक इंजन लाइट जो है वो चला जा रहा है, यानी कि हमें ये किसी प्रकार का कोई फॉल्ट शो नहीं कर रहा है। ये मैं लगाऊंगा सेल्फ यहाँ पे, तो सेल्फ भी इसका चल रहा है, ठीक है। इसका स्पार्क प्लग पे पहले हम करंट चेक करेंगे कि करंट आ रहा है कि नहीं। हेडाप्टर उसका ओपन करो, लगा तो करंट भी इसका आ रहा है रेगुलर, ठीक है। ये देखते जाना आपको कि करंट इसमें छोड़कर ना आए, रेगुलर करंट आ रहा है। वैसे हेडाप्टर को टाइट कर दो वहीं पे। दूसरा चीज़, इसका जो फ्यूज बक्स है इस पर आपको, ये इसका मेन रिले है, इसे आपको यहाँ से डायरेक्ट करना है। तो ये ब्लैक प्लस येलो है और रेड प्लस ब्लैक लाइन है, तो इसे आपस में से कनेक्ट करके भी आप चेक कर लें। इसका पूरा फ्यूज को आपको चेक करने का है, जो भी फ्यूज इसके अंदर लगे हुए हैं। तो यहाँ पे स्पेशली जो फ्यूज है पहला हम, दूसरा हमारा यहाँ पे देखेंगे आप तो ECM का फ्यूज है 7.5 एम्पियर का, और नीचे की साइड आप देखेंगे तो FI का फ्यूज है, ये भी 7.5 एम्पियर का है। तो यहाँ दो फ्यूज हैं, पर इसका फ्यूज आपको, सभी फ्यूज को आपको चेक करना है। तो ये टेस्टर लैंप है, इग्निशन ऑन कर देना है, और इग्निशन ऑन होने के बाद यहाँ पे इस तरीके से ये 1 बाय 1 करके आप सभी फ्यूज को चेक करना है। तो हमने इसे चेक कर लिया है, इसका सारे फ्यूज सही हैं, ठीक है। इस तरीके से ये सभी फ्यूज पे, और ये 20 एम्पियर का फ्यूज है, ये भी सही होना चाहिए, ठीक। आप ये 20 एम्पियर का फ्यूज आप डालते हैं और ये उड़ जाता है तुरंत इग्निशन ऑन करते ही, तो समझ लेना कि इसका ECM शॉर्ट हो चुका है। तो ये 20 एम्पियर का मेन फ्यूज है इसका, ठीक है। तो इस साइड इसका फ्यूल पंप है, यहाँ पे इसका मेन जो पाइप है इंजेक्टर तक जाता है, इसे आपको इस तरीके से ओपन करना है। ओपन करने के बाद ये बाहर के साइड आपको इसे इस तरीके से निकालने का। अभी आपको ये देखना है कि इसके अंदर सप्लाई आ रहा है या नहीं, तो मैं इग्निशन यहाँ पे ऑन करूँगा तो यहाँ ना ही इसका साउंड आया ना ही इसमें फ्यूल पंप फ्यूल आया, ठीक है। ये अभी हमें इसके अंदर यहाँ पे जो इसका मेन कपलर है इससे यहाँ से पुश करके आपको यहाँ आउट करने के बाद इसके अंदर जो वोल्टेज आना चाहिए वो चेक करना है। तो इसके अंदर 3 वोल्टेज तक आता है, यानी कि 2.5 वोल्टेज से लेकर 3 वोल्टेज तक इसके अंदर सप्लाई आना चाहिए। तो उसके लिए आपको क्या करना है, मल्टीमीटर 20 वोल्टेज पे सेट करना है, उसके बाद यहाँ पे मैं मल्टीमीटर ले लेता हूँ और 20 वोल्टेज पे हमने सेट कर लिया है। यहाँ पे आपको फर्स्ट वायरिंग में इस तरीके से पहला प्रॉप कनेक्ट करना है, और यहाँ पे बॉडी पे कहीं पे इसे ग्राउंड देना है।
इग्निशन स्विच इसका, इग्निशन इसका ऑफ करना है। ऑफ, मैं ऑफ करता हूँ इस तरीके से, और मैं ऑन किया तो यहाँ पे करो, एक बार रुकना, हाँ ऑन करो तो यहाँ पे वोल्टेज नहीं आ रहा है पहले लाइन पे, दूसरे पे आपको चेक करना है, ऑन करो नहीं आया, यहाँ पे चेक करना है लास्ट तीसरा पॉइंट पे, तो यहाँ पे कुछ शो किया पर इस पे वोल्टेज उतना वोल्टेज नहीं आ रहा है। एक बार ऑन ऑफ करो, यहाँ पे वोल्टेज नहीं आ रहा। अभी हमने सभी चीज़ को चेक किया, उसके बाद इस जगह पे फ्यूल पंप पे वोल्टेज नहीं आ रहा है। उसके लिए इसका जो ECM है, यहाँ तक इसका जो फ्यूल पंप का वायरिंग है वो यहाँ तक आता है, तो उसके लिए पहले आपको ये चेक करना है कि इसका जो वायरिंग है वो कहीं पे बीच पे कट तो नहीं है। तो ये कपलर आपको निकालने का है इस तरीके से, और निकालने के बाद अब यहाँ पे आप देखेंगे तो फ्यूल पंप का वायर आपको मिल जाएगा। आप नीचे के साइड से भी कलर इधर पे मैच कर लें और यहाँ से भी मैच कर लें। तो यहाँ पे फ्यूल पंप का जो वायर है तो ये रेगुलर, यहाँ पे तीन वायर हैं इस तरीके से। ये तो पहला वायर है, ब्राउन पे रेड लाइन है, दूसरा ब्राउन पे ब्लू लाइन है, और तीसरा हमारा ब्राउन पे ब्लैक लाइन है। तो ये वायर हमारे फ्यूल पंप तक जाता है, ऐसे आपको चेक करना है। तो मल्टीमीटर आप कंटिन्यूटी में रख के और इसे चेक करना है। तो मैं यहाँ पे फ्यूल पंप पे इसे अटैच करता हूँ, तो पहले मैं ब्राउन प्लस रेड पे अटैच करता हूँ। यहाँ पे आपको वायरिंग का गिनती कर लेना है कि कौन से नंबर पे ये वायर है। पांचवें नंबर पे पहला वायरिंग है, तो यहाँ से पांचवें नंबर पे लगाना है, और यहाँ पे मल्टीमीटर हमारा बीप कर रहा है, यानी कि ये वायरिंग यहाँ तक सही है। अब दूसरा वायर हमें चेक करना है, तो इसी तरीके से यहाँ पे है ब्राउन प्लस ब्लू है, तो इसे चेक करना है। तो यहाँ पर ये भी सही बता रहा है, बीप कर रहा है मल्टीमीटर। तीसरा वायर हमें चेक करना है, तो यहाँ पर ये भी सही बता रहा है, यानी कि हमारा वायरिंग लूम पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी हमें इसका जो ECM है वो चेक करना है। और यहाँ पे मैं आपको बताते चलूँ तो इसका जो ECM का जो कंडीशन है वो इसलिए इसमें डैमेज है क्योंकि इस बाइक का एक मेजर एक्सीडेंट हुआ था, वो भी काफ़ी टाइम पहले, जिसमें ये सब कुछ इसका डैमेज हुआ है। तो इसका ECM हम लेके आते हैं और इस बाइक के अंदर फिटिंग करेंगे और इसका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो मैं इसके सारे कपलर आउट कर लेता हूँ और आपको दिखाऊँगा कि इसके अंदर ECM का प्रॉब्लम इस तरीके से। तो दोस्तों ये ECM मुझे सेटिंग पे मिल गया है, ये सेकंड हैंड है और हमने कस्टमर को बता दिया है। तो इसका जो पार्ट नंबर है वो सेम इस पे मैच कर रहा है, तो इसे हम इसके अंदर फिटिंग करेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि इसका फ्यूल पंप अब काम कर रहा है या नहीं। तो इस तरीके से पूरा वायरिंग इस पे कनेक्ट करते हैं इस तरीके से। अभी हमें इसका जो वोल्टेज है वो चेक करेंगे, तो मल्टीमीटर 20 वोल्टेज पे सेट करना है और यहाँ पे मैं लगाता हूँ किसी भी वायर पे चेक करने के लिए सिर्फ। तो इग्निशन ऑन करो, तो यहाँ पे 3 वोल्टेज हमें मल्टीमीटर पे शो कर रहा है, ठीक है। ऑफ कर दो इग्निशन, वापस से ऑन करो, ये इस तरीके से वोल्टेज आना चाहिए। अब हमारा तीसरा पॉइंट पे चेक करेंगे, तो ऑफ करो और वापस से ऑन करो, थोड़ा सा ये प्रॉब यहाँ पे दिक्कत करता है। ऑन ऑन ऑफ करो, ये प्रॉब थोड़ा पतला होना चाहिए, आप इसे चेक करते हैं तो इसका कपलर भी यहाँ पे डैमेज हो सकता है। ऑन करो, ऑफ करो,
ये तो इस तरीके से वोल्टेज इसके अंदर आने लगा। अभी हम इसका जो कपलर है इसे फ्यूल पंप के अंदर यहाँ पे फिटिंग करेंगे। इस तरीके से फ्यूल पंप हमारा चलने लगा, ठीक है। अभी हम इसका केबल लगा यहाँ पे पाइप लगाते हैं और इसे लॉक कर देते हैं। इस तरीके से लॉक होने के बाद अब इस बाइक को हम स्टार्ट करते हैं। तो इसका इग्निशन हमें ऑन ऑफ करना पड़ेगा 2 से 3 बार और इसका मैं लगाता हूँ सेल्फ। बैटरी इसका डाउन है, किक लगा, किक लगा के स्टार्ट करते हैं। लगा ये, तो अभी ऐसे थोड़ा देर के लिए आइडल पे छोड़ेंगे और थोड़ा रेस करूँगा मैं। गियर पे डालता हूँ इसे, ये अभी हम न्यूट्रल करते हैं और बाइक को बंद करते हैं, ठीक है। वापस से इसे ऑन करते हैं और मैं लगाता हूँ सेल्फ, देखते हैं इसका। यहाँ पे हम बात करेंगे कि आप नया ECM बाइक के अंदर डालते हैं और उस बाइक के 1500 किलोमीटर चलने के बाद वापस से ECM जल जाता है, ख़राब हो जाता है, यही प्रॉब्लम आने लगती है कि बाइक पे स्टार्टिंग का प्रॉब्लम। तो आपको इस ECM डालने के साथ साथ आपको किन किन चीज़ों को विशेष रूप से ध्यान देने का है। पहला, इसका जो वायरिंग है, जैसे कि इस बाइक के अंदर काफ़ी वायरिंग इसका प्रॉब्लम है, वो देखने का है कि वायरिंग लूम वो सही होना चाहिए। सही नहीं है तो आप वायरिंग लूम नया डाल दें। दूसरा चीज़, इसका जो इंजेक्टर है इसका सप्लाई इस ECM तक आता है रिटर्न। तीसरा, हमारा जो हाई टेंशन कॉइल है वो शॉर्ट रहेगा तो उसका करंट भी यहाँ पे ECM तक आता है रिटर्न। चौथी चीज़ की बात की जाए तो इसका जो प्लग का एडाप्टर है ये काफ़ी बार शॉर्ट हो जाता है। इसे ओपन करो, जो ये बाइक के साथ आया था वही है, इसमें हम नया एडाप्टर डालेंगे। देखो इसके अंदर आप देखेंगे तो काफ़ी जंग लगा हुआ है इसके अंदर, और यहाँ पे देखेंगे आप तो ये वायरिंग पे भी ये काफ़ी इस तरीके से जंग लगा हुआ है, ठीक है। और पांचवी चीज़ की बात की जाए, जो बैटरी है, बैटरी शॉर्ट रहेगा तो ECM ख़राब हो जाएगा। और छठवीं चीज़ की बात की जाए तो इसका जो बल्ब है, हेडलाइट का बल्ब है, अगर हेडलाइट का बल्ब आप यहाँ पे 30 वाट से लेकर 35 वाट डालते हैं बल्ब जो कंपनी देती है तो वो सही है, लेकिन इस पर 45 वाट का और 40 का बल्ब डला हुआ है। यहाँ पे आप बल्ब का जो वाट है उसे बढ़ाते हैं तो ECM पर ये प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि इसका जो हेडलाइट है वो ECM से जलता है यहाँ से, ठीक है। इसका जो ग्राउंड है वो यहाँ से जाता है, ये जो पतले वायर हैं यहाँ से। सातवीं चीज़ की बात की जाए, जो मेन चीज़ है वो है हमारा इग्निशन स्विच। इग्निशन स्विच का 2 पॉइंट इसके अंदर रहता है, यानी कि 4 वायर होते हैं, 2 में से अगर एक वायर अगर चलती बाइक के अंदर ये कट होता है तो उस पर क्या होता है, जब हमारा ECM पे डायरेक्ट वोल्टेज इंजन का आता है और ECM शॉर्ट होने का फुल चांस होता है। तो आप ये सारी चीज़ें चेक कर लें, उसके बाद ही नया ECM बाइक के अंदर फिटिंग करें। यहाँ पे मैं यूज़र, आप वीडियो देखते हैं जो बाइक ओनर है वो, तो उन्हें मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपकी जो बाइक है, किसी भी कंपनी की बाइक है, BS6 बाइक है, तो आप जो कंपनी वारंटी गारंटी देती है जितने भी टाइम का, तो आप उसे हमेशा के लिए, मतलब उसे वारंटी पे रखें, क्योंकि बाइक पे अगर प्रॉब्लम आती है तो काफ़ी इस पर खर्च होता है, ठीक है। आफ्टर आप जो आफ्टर मैकेनिक होते हैं या फिर आफ्टर जो सर्विस आप कराते हैं तो वो बिल्कुल ना कराएं बाइक को, जब तक आप कंपनी वारंटी देती है तो आप उसे वारंटी पीरियड पे ही हमेशा रखें उसे। और काफ़ी लोग हैं, बैटरी जो मोबाइल चार्जर है, LED बल्ब है, काफ़ी चीज़ें वायरिंग में इंडिकेटर है, हजार्ड लाइट है, वो अलग से डलवा लेते हैं, तो वो ऐसा ना करें। BS6 की बाइक आपके पास है तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो पर अगले किसी नए टॉपिक को लेकर।